ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कश्मीरियों को। और बेसिकली जो यूएन है ना, अब इनको पता है जो यूएन की इंसानी हकूक फॉर्म है ना, जो वो इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहा है उनको लॉलीपॉप देने के लिए, उनको दिखाने के लिए जी हम तो इनका बड़ा ख्याल रख रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है उसके अंदर हम लोगों ने ले लिया उसको, कश्मीर के प्लेयर्स को, ये तासुर दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान में सिर्फ पैसे चलते हैं, पैसा दें और अपनी जगह बनाएं, वहाँ पे जो भी होता है वो टैलेंट के लिहाज से आता है। डेफिनेटली इन्होंने टैलेंट देखा होगा तो उनकी सिलेक्शन की होगी ना, ऐसी सी बात है, टैलेंट होगा तो सिलेक्शन की है। उसके अलावा उनको उनके हक भी दिए जा रहे हैं, ये भी अपना तरफ से वो अपना पॉजिटिव प्लस व्यू लेना चाह रहे हैं। हमने आजाद करवा के करना क्या, उसके भी हालात हमने पाकिस्तान जैसे या आजाद कश्मीर जैसे करने हैं? हमने उसका पहली तो बात है अचार डालना है। अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि बलूचिस्तान को आप कभी भी स्टेबल कर नहीं पाए। हाँ। आप केपीके को स्टेबल कर नहीं पाए, आप कभी जनूबी पंजाब को स्टेबल कर नहीं पाए। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में अब जहाँ पे जनूबी पंजाब के साथ बलूचिस्तान का बॉर्डर है वहाँ से गैस निकलती है जनूबी पंजाब में गैस। पाकिस्तान की 70% 60% आबादी पंजाब में रहती है और सिर्फ 4 से 5 मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, और कश्मीर में 2 यूनिवर्सिटीज होना मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, 60% आबादी, सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज अंदर, तो कश्मीर के साथ नाइंसाफी तो किसी तौर पे नहीं हो। जम्मू कश्मीर से 21 खिलाड़ियों को आईपीएल 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस दफा आईपीएल 2023 के लिए सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो जम्मू कश्मीर से किए गए हैं, जबकि एक तासुर पाया जाता है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता है, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते। लेकिन इससे पहले भी देखा गया कि एक मुस्लिम बॉय को, उमरान मलिक को, इंडियन क्रिकेट टीम में जगह दी गई, और इस दफा आईपीएल के लिए 21 खिलाड़ियों को जम्मू कश्मीर से सिलेक्ट किया गया है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि हमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कोई इंडियन प्लेयर, कोई हिंदुस्तानी प्लेयर खेलता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता, और क्या हमें आईपीएल की तरह पीएसएल में भी इंडियंस को जगह देनी चाहिए? दो चीजें आती हैं, एक तो मेरिट जो इंडिया में शुरू से चलता आ रहा है, और नंबर दो पॉलिटिक्स। क्योंकि एक चीज़ शुरू से हम लोग के माइंड में डाली गई है कि कश्मीरियों को राइट्स नहीं मिलते, इंडिया में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। और उसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो हमारे इस में आज़ाद कश्मीर है उसमें हमने क्या किया कश्मीर के लिए? और अगर आप कहते हैं कि एक मुस्लिम बॉय उसमें आया इमरान मलिक, तो उससे पहले अगर हम देखें तो मोहम्मद शामी भी खेल रहा है, तो वो लोग इस चीज़ को नहीं देखते कि मुसलमान है या हिंदू है। हम इस चीज़ पे उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि मुस्लिम खेल रहा है या हिंदू खेल रहा है, वो मेरिट पे हमेशा ही खिलाते हैं। उनकी टीम पूरी की पूरी देख लें तो वो हमेशा मेरिट पे आते हैं। एक प्लेयर जाता है तो उससे अच्छा लाते हैं, हमारी तरह कभी वो पर्ची ले के नहीं आते। हमारा एक प्लेयर जो आगे डोमेस्टिक टीम में आगे खेलता है 3-4 मैच, उसके बाद वो इंटरनेशनल टीम में आ जाता है। आईपीएल पीएसएल में उसने खेले 2-3 मैच, गूगल करें या किसी भी चीज़ को देख लें तो वहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, वो उनको अपना प्रॉपर राइट्स दे रहे हैं। और यहाँ पे एक निज़ाम है, यहाँ पे आप देख लें सर्वे के मुताबिक 7.5 लाख नौजवान जो है वो अभी पाकिस्तान छोड़ के चला गया है। और अगर मेरे जैसे या यहाँ पे जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, हर कोई यहाँ से जाने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। हर 3 महीने के बाद अदम एतमाद की तहरीक चल पड़ती है कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। आर्मी फोरम पे भी इस चीज़ पे आवाज़ उठाई गई है, इंडिया ने जो मुसलमानों की नस्ल कशी पहले अपने मुल्क में करते थे, कश्मीर में तो खैर शुरू से ही कर रहे हैं। और अगर इंडिया ने हक दिया ही होता कश्मीर वालों को तो उसको जम्मू कश्मीर कहा ही क्यों जाता, उसको मकबूजा वादी क्यों कहा जाता अगर उन्होंने हक दिया होता? तो बेसिकली ये रियलिटी है, ये तासुर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कश्मीरियों को। और बेसिकली जो यूएन है ना, अब इनको पता है जो यूएन की इंसानी हकूक फॉर्म है ना, जो वो इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहा है। अच्छा। वो कह रहा जी कश्मीरियों की जो है ना नस्ल कशी ना की जाए, मुसलमानों के साथ ये सलूक ना किया जाए। दैट्स वाई मसला ये है कि उन्होंने उनको लॉलीपॉप देने के लिए, उनको दिखाने के लिए जी हम तो इनका बड़ा ख्याल रख रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है उसके अंदर हम लोगों ने ले लिया उसको, कश्मीर के प्लेयर्स को, ये तासुर दिया जा रहा है। अच्छा। तो हम तो इनका ख्याल रखते हैं, हम इनको अपनी लीगों में खिला रहे हैं, पाकिस्तान की लीग में तो कोई भी नहीं है, ये जो है ना। और दूसरी बड़ी बात, ये जो हमारी कश्मीर प्रीमियर लीग हुई पाकिस्तान के अंदर, ये उसका भी इफ़ेक्ट है। अच्छा। हाँ, हमने कश्मीर के काफ़ी प्लेयर्स खिलाए, उनको इस चीज़ की तकलीफ हुई भाई हम क्यों ना इनको लेकर आए, कि ये ना हो कि यहाँ के कश्मीरियों के दिल में पाकिस्तान की और इज्जत बढ़ जाए, कि वहाँ पे अगर कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है तो इन हमारे इधर कश्मीरियों को कोई हक क्यों नहीं दिया जा रहा। बेसिकली ये चीज़ें होती हैं, काफ़ी इसके पॉइंट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं,
तो इंडिया को भी पता है कि किस तरह लॉलीपॉप देना है यूएन को, क्योंकि यूएन में उनकी सुनी जाती है। इंडिया जो है ना दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत बन चुका है, तो वहाँ पे उनकी सुनी जाती है, तो वो सुनाते हैं। सर ऑलरेडी आपने देखा होगा उमरान मलिक को इंडियन क्रिकेट टीम में भी जगह खेला आपका, और बड़ा अरसा खेला है, बड़ा टॉप का स्पिनर था वो, उसकी जो अब कोई खेल रहा है अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आ रहे हैं, एक सिख प्लेयर आ रहा है, बड़ा अच्छा प्लेयर है। हाँ। बेसिकली वो परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान टीम में आएंगे ना। अब ऐसा कोई प्लेयर हमें अपने डोमेस्टिक सर्किट में नज़र ही नहीं आ रहा, अगर होता तो वो ज़रूर आता टीम के अंदर, परफॉर्मेंस दे आ जाए। हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ नहीं है कि जी फला मज़हब का प्लेयर नहीं है फला, इट्स नॉट एन इशू इन पाकिस्तान, हमारे मुल्क में इसका इशू नहीं है, हमने हर किस्म का प्लेयर खिलाया है। मज़ीद ये कि वो परफॉर्म तो करे डोमेस्टिक सर्किट में, सामने तो आए, वो तो सामने ही नहीं है कोई प्लेयर, सिर्फ एक सिख प्लेयर है वो, जिसका मैंने आपको बताया, वो करेगा तो वो टीम में ज़रूर आएगा। सर जिस तरह आईपीएल में 21 कश्मीरियों को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया, क्या पीएसएल में भी हमें इस तरह से किसी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जगह देनी चाहिए? जी जगह होगी बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि प्लेयर्स अपने आप को रजिस्टर तो करवाएं, अपना टैलेंट सामने तो लेकर आए, जब इनका टैलेंट सामने आएगा तो डेफिनेटली वो टीम में भी आएंगे। फिलहाल तो कोई रजिस्टर्ड प्लेयर ही नहीं है इतने सारे हिंदू कम्युनिटी के, देखें बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो पूरे कश्मीर को खरीद सकते हैं, उनके पास इतना माल इतना पैसा है उनके पास, वो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे वो सारी डेवलपमेंट हो रही है, डैम्स बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि उन्होंने वो चीज़ को ऑन करना है, उन्होंने उसको लेना है। ज़ाहिर है जब उनकी आवाम उनकी वो जितनी खलकत है वहाँ पर आके रहेगी तो वो उनको बिजली कैसे प्रोवाइड करेंगे, वो उनको बाकी सहूलियात कैसे देंगे? सर जो भी है उससे कश्मीरियों को भी तो फायदा होगा ना? नहीं कश्मीरियों को तो फायदा होगा, लेकिन बेसिकली आप ये देखें ना कि वो उन्हीं की प्रॉपर्टीज को औने पौने दामों अपने जो ले लेंगे, तो ये तो फिर गलत है ना। अच्छा हम जो है जम्मू कश्मीर के लिए तो बात कर लेते हैं, उनके लिए तो हम बोल लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो कश्मीर है हम उसके लिए क्यों नहीं कुछ करते? वहाँ पे उनको पूरा बजट भी प्रोवाइड नहीं किया जाता, ठीक है, हमें वो कश्मीर नज़र आता है जो इंडिया का हिस्सा है, जो कश्मीर हमारे पास है हमें वो नज़र क्यों नहीं आता? नहीं नहीं बिल्कुल आता है, आप जाएँ कश्मीर जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी वहाँ पे डेवलपमेंट है, बड़ा अच्छा। क्या डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे आप देखें, रोड्स बड़े अच्छे बने, वहाँ के मिनिस्टर रोते हैं कि जो बजट हमारे नाम पर अनाउंस किया जाता है वो पूरा भी हम तक नहीं पहुँचता। देखें मिनिस्टर तो हर जगह के ही रोते हैं, वो बेसिकली इसलिए उनको पूरा नहीं जाता क्योंकि वो मिनिस्टर अपनी जेबों में डाल लेते हैं, वो फिर जी आके टीवी पर रोना धोना शुरू कर देते जी हमारे तक पूरा बजट पहुंचा नहीं, वो इसलिए नहीं पहुंचा ना कि जितना तकसीम होना था वो बराबर तकसीम नहीं हुआ उनके पास। इसकी वजह मैं बताता हूँ, इसकी वजह जहाँ तक मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि जो शुरू से ही हमारे जहन में ये तासुरात फैलाए गए हैं इंडियन की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से कि जो मकबूजा कश्मीर में आवाम है ना, इंडियन गवर्नमेंट उनको ना उनका वो प्रॉपर हक नहीं दे रही। अच्छा। ठीक है, उसके बाद ये अपना एक किस्म का वो पॉजिटिव प्लस पॉइंट लेना चाह रहे हैं कि भाई हम मकबूजा कश्मीर के जो आवाम है उनको प्रॉपर उनके हकूक दिए जा रहे हैं उधर, मतलब मकबूजा कश्मीर जो मुस्लिम हैं उनको प्रॉपर उनके हकूक दिए जा रहे हैं। दूसरा ये कि जो हमारी हुकूमत है वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, उनकी जो हुकूमत है वो अपनी आवाम के बारे में सोचती है और अपने बारे में भी साथ साथ सोचती रहती है। अब जिस तरह हमारी हुकूमत को देख ले, कौन हमारे मतलब हमारे साथ खड़ा होता है, जिस वक्त हर कोई अपना अपना पेट पालता है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। उसके बाद दूसरा ये कि आप देख ले इमरान खान के अलावा नेशनल असम्बली में मकबूजा कश्मीर के हवाले से किसने जो किसी और ने बात की है, नवाज शरीफ हो गया, बाकी सारे भी लीडर्स गए हैं, आखिर जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स गए हैं उन्होंने किसी ने भी बात नहीं की। हम वाले कश्मीर जहाँ पर हम कहते हैं बहुत जुल्म हो रहा है, वहाँ पर 17 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज हैं, इसके अलावा डैम है, एयरपोर्ट हमारे यहाँ पर नहीं है, उनके वहाँ पर एयरपोर्ट है, तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट ही हो रही है। हाँ इसमें कोई शक नहीं, इंडिया की जो कश्मीर स्टेट है वो उनकी सेकेंड हाइस्ट अर्नर है इन टर्म्स ऑफ एप्पल मार्केट, उन्होंने डेवलपमेंट की है वहाँ पे। क्या है हम मतलब वही कह रहे हैं ना, उन्होंने डेवलपमेंट की है, हम कहते हैं वो जुल्म करते हैं, वो वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें ज्यादा प्यार है और हम डेवलपमेंट भी नहीं कर रहे, मतलब उन्हें नफरत है तो वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें प्यार है तो हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे, यही मेरा टॉपिक है। नजरिए का फॉल्ट है ना, इंडिया कश्मीर के साथ रिलेटेड अपने आप को स्टार्ट से मानता है, ठीक है, हम लोगों ने कश्मीर को कहीं ना कहीं जाके सियासी नारा के लिए इस्तेमाल किया हुआ, उन्होंने उन लोगों को जीतने की कोशिश की है एक तरीके, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो वहाँ पे रहें। पाकिस्तान ने कश्मीर को एक सियासी नारे के तौर पे इस्तेमाल किया,
अगर आप पाकिस्तानी कश्मीर में जाकर देख लें जो यहाँ पे हालात हैं, आप अपर मुजफ्फराबाद से जाएं, बालाकोट की साइड पर जाएं, बालाकोट से ये एक जगह मेरे से निकल गई है, वहाँ पे चले जाएं, तो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनका कोई हाल नहीं रहने का, फटे कपड़े पहने हैं। तो हम लोगों के जो खैरात में उधर के लोगों ने जो जीत के, उनकी लोकल पॉपुलेशन ने जो खुद जंग लड़के कश्मीर का हिस्सा हमारे साथ मिला लिया, जो मैं खैरात में उनकी तरफ से मिल गया। भी रो पड़े थे उनके वजीर आजम जो आपने बात किया, वो रो पड़े थे कि हमें प्रॉपर राइट नहीं मिल रहे पाकिस्तान की तरफ से, जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर है उनकी बात का। एग्जैक्ट सही बात है, पाकिस्तान के जो कश्मीर है वहाँ पे हमारी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नून लीग है, इस वही पे। तो जब हम लोग वहाँ की गवर्नेंस भी हमारे लोकल लोग ही कर रहे हैं, हर चीज़ हम लोग खुद कर रहे हैं, आज भी हम उनमें लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कर पाते।